Vandalism outside the Patiala court in New Delhi on Monday, where Bharatiya Janata Party MLA OP Sharma had beaten up an unidentified man. The incident took place when Jawaharlal Nehru University Students Union President Kanhaiya Kumar was produced in the court. Talking to the media, the BJP legislator said that those raising anti-India slogans would not be spared. When asked if they had taken the onus of patriotism, he replied in affirmation. Even though he was seen beating an unidentified man, he said that we are trying to catch hold of the one who was raising प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स वो जो मार पीट के भाग रहा था उसे लोग पकड़ रहे थे मैंने क्या करा उसका हाथ मारते पीट नहीं करा मारते पीट तो दिख रहा है नहीं मारा यार नारा लगा रहा है जिंदाबाद पाकिस्तान आप लोग मारेंगे मारेंगे आप लोग ठेका लेके उसका भी देखिए ना आप लोगों ने ठेका लेके मार लेंगे जो पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान सारे गुंडों बिल्कुल गुंडागर्दी किस बात का आप इनको चोट लगाई पत्रकारों पे हमला आप इनको चोट लगा दी दिखा रहे हैं अरे पत्रकारों किसका मैंने क्या किया है भारत अरे यार मैंने क्या करा है करेस्पॉन्डेंट आशुतोष फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर नारा लगा रहे वो पूछ रहे ये जेएनयू वाला कौन है ये सीपीआई वाला कौन है सर अंदर घिरा घिरा के ये लोग मार रहे हमने पूछा कि भाई तर्क दो हम भी चाहते हैं कि जो देशद्रोही है उसको सजा हो कह रहे हैं कि कोर्ट तय नहीं करेगी हम तय करेंगे कि देशद्रोही कौन है अ लॉट ऑफ अस आई एम नॉट अ जेएनयू स्टूडेंट आई एम जस्ट अ फ्रेंड टू दैट पर्सन वी आर ऑल हियर वेरी पीसफुली स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर हिम दीस पीपल देयर आर 6-7 लॉयर्स हियर हु स्टार्टेड लॉबिंग पीपल इन द मॉर्निंग कि ये साले पाकिस्तानी हैं मां बहन की गालियां देते रहे वी वर नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम We were just 10 people standing and waiting to see family friend hai gaon se main ka dost hu main yahan pe main mera JNU se koi lena dena nahi hai mera naam hai varun adit singh chauhan main ek digital agency mein kaam karta hu mera kanhaiya kumar se sirf dosti hai main yahan dekhne aaya tha ki wo insaan theek hai ki nahi hai uski proceeding kaisi hai nothing else main chappalon mein inme hum log aaye hue hain हम लोगों को देख के हम लोग 7-8 लोग खड़े हुए थे उनको गाली ये वकीलों ने की और मैं आपको बताता हूँ हम लोगों से नहीं शुरू की है आप हम लोगों से करते कोई बात नहीं अंदर टीचर्स हैं हमारे सीनियर टीचर जेएनयू के उन टीचर्स के संग बदतमीजी मीडिया के लोगों मीडिया के कोई की अंकित अंकित कोई अंकित को घिरा घिरा के कोई मीडिया के जर्नलिस्ट है उनको घिरा घिरा के अंदर मारा सर ये तो ये अदालत है इस सरकार में हम ये सोच रहे थे कि हमारा तो भरोसा था हमारी तरफ से सीपीआई के किसी भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया हमने कहा भाई इनको गाली देने दो मेरा नाम अमीक जामई है मैं सीपीआई से हूँ लेकिन आज जो हुआ है ये भारत के इतिहास में लोकतंत्र पर और ये जो संविधान है इस पर काला धब्बा ये छोटा मुद्दा नहीं है ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये प्रिंसिपल की लड़ाई है और प्रिंसिपल ये है कि पत्रकारों को पूरा हक होना चाहिए कि उनकी जो प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरमेंट है उसमें उनको धमकियां ना दी जाए और वायलेंस का जो धमकी है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटिमिडेट रिपोर्टर्स मुझे लगता है कि ये माना नहीं जा सकता कि पुलिस डिड इट्स जॉब ये बहुत साफ है कि पुलिस को बार बार मौका था इंटरवीन करने का और पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया और मुझे लगता है बस्सी साहब और राजनाथ सिंह को इसमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए लोगों की शक्लें कैमरा पे है वी हैव सीन देयर पिक्चर्स वी नो हु दे आर और सबसे बड़ी बात है ये वकील है दे आर मेंट टू बी सिंबल्स ऑफ द लॉ सो इट्स रियली शॉकिंग व्हाट हैज हैपेंड हम कोई देशद्रोही नहीं है हम अपना काम कर रहे हैं आपको हमारा काम नापसंद है आप बहिष्कार कीजिए चैनल मत देखिए अखबार मत पढ़िए पर ये क्या होता है कि आप हमला करते हैं पत्रकारों पर हम कोई सॉफ्ट टारगेट बन गए और पुलिस देखती रहती है ये कैसे चलेगा और ये किस किसके
किस तरह से हम कब तक सहेंगे इसको? पुलिस कमिश्नर कहते हैं छोटी सी घटना थी, एक्सेसिव इमोशनल बातें थी और बहुत ही माइनर इंसिडेंट सर। घटना कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जो हुआ है वो गलत है। घटना गलत थी या सही है इसका जवाब चाहिए, छोटी बड़ी में नहीं है। जो पत्रकारों पर हुआ, महिला पत्रकारों पर हुआ, ये कौन सहेगा, ये कब तक चलेगा? और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। अगर हम हमारी आवाज अब नहीं उठाएंगे तो कब? मेरे सामने क्योंकि मैंने उनका वीडियो बनाया, फिर उन्होंने आके यही बोला कि मैडम वीडियो डिलीट करिए वरना आपकी हड्डियां भी तोड़ेंगे आपको। मैंने मना करा उनसे वीडियो देखने को, तब उन्होंने मेरे साथ सब खड़े होकर हमें मारे, उनको भी मारे और उनको इतना मारे कि बोला कि आपको मारे अब आपको नेक्स्ट मारेंगे। पुलिस वालों को बात ही नहीं, चीख चीख के चिल्ला दो पर कोई नहीं। जो भेद भी था 25 के बाद अगर आप छोटी सर, एक जब अकेले कोर्ट साफ कुछ करता है, पुलिस वाले कुछ करते हैं, मीडिया को भी नहीं बख्श रहे। आई जस्ट केम स्टैंडिंग एंड आई केम सेइंग आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब एंड आई एम टेलिंग द ट्रुथ। दैट्स व्हाट वी आर बीइंग पनिश्ड फॉर। दैट्स व्हाट दे डोंट वांट, दे वांट द कोर्ट टू कम आउट एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट। देखिए, जो आप पहली घटना बता रहे हैं, मुझे ना उसका ज्ञान है, ना मुझे उसकी समझ है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। मैं जब कोर्ट से बाहर निकल रहा था तो जो सज्जन थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने उनको मना किया, भाई आप ऐसा मत करो। उनको समझाने के बावजूद वो नहीं माने और इसी बीच में हाथापाई हो गई और मुझे सर पर कोई चोट मार दी। और मारने के बाद जब वो भागने लगे तो हमने उसको चेज किया, मैं था, मेरे साथ पब्लिक के और भी लोग आ गए। तो उस भागदौड़ के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सब आपके सामने है। एक तरफ -50 डिग्री के अंदर हमारे लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये आस्तीन के सांप अलग अलग चैनलों पर जाकर तर्क और कुतर्क करके उन देशद्रोहियों और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि हर घर में अफजल पैदा होगा। क्या भारत माता बाज हो गई है? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? अगर इन देशद्रोहियों को इतना लगता है, जाए पाकिस्तान रहे, इनके बाप का है क्या? ये यहां भी रहेंगे और गाली भी देंगे? आप इस देश में भी रहेंगे, इस देश का नमक भी खाएंगे और इस देश को गाली भी देंगे आप? ये कौन सा तरीका है? तो मेरा सर फोड़ेगा तो मारू नहीं क्या? ये किस किताब में लिखा जो आदमी मेरा सर फोड़ा मैं नहीं मारू उसे, आप बताइए। अरे भाई, मेरा जो सर फोड़ेगा मैं क्या करूं उसको, पूजा करूं उसकी? और उनको अगर मेरे से कोई ऐतराज है तो जाए मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाए, कानून अपना काम करेगा। अब उसने चोट मार दी है, अब वो पता नहीं कौन आदमी है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूं। अब उसको कोई दिक्कत होगी जाएगा थाने में रिपोर्ट लिखाएगा, जो भी पुलिस करेगी करेगी, उससे मैं क्या करूंगा, तो जो पुलिस ने करना करेगी। थोड़ी सी चोट लगी है सर में, मेडिकल रिपोर्ट क्या है कर दी जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस कन्हैया कुमार को जज के घर में पेश कर दे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो माहौल है ऐसे में कन्हैया कुमार को पेश करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो वकील है वो हंगामे पर उतारू है। कोर्ट का गेट बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा कन्हैया कुमार को यहाँ पर पेश करना। मुकेश, हम आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। सोनल मेहरोत्रा जो हमारी सहयोगी हैं, उनको भी कुछ चोटें लगी हैं, वो अपनी कहानी बयां कर रही हैं, वो सुनते हैं। We don't require you here. Leave this place or you will be harmed. I said, you know, we caught the police. I mean, how can you talk to the people like that? Soon after, he was joined in by other people who came in and we were asked to come out. Otherwise, we would clearly be harmed. I came out. I was trying to take a few videos of these people, capturing whoever they got their hands on, whom they thought were from JNU, and started beating them up. I can tell you clearly that there were around 10 to 15 leaders of that entire group of BJP lawyers who came in, and they would say, are you from JNU? Are you from JNU? And the minute, and by just because he was dressed as a student, they would pick them up, beat them. They were blown, they would kick them. And when that wasn't enough and they saw that media was taking visuals, I've sent those visuals to office. I'm sure you can play that out.
and when they saw me taking a video of them beating up JNU people absolutely unprovoked, that's when they got onto us. He tried to snatch my phone, I took it back from him, and then he said that, you know, you delete that video or else, you know, your phone will be broken and you'll be harmed. And it was just, I can't even tell you, I was clearly in a state of shock. I was intimidated for quite some time before, a cop could come in and they asked us to leave that place. Now, I'm also joined by Amit Pandey here, Neha, and I just want to go and I just want to show you the visuals here. Amit's shirt has now been torn off. He was beaten up. He was kicked on his back. And now he's obviously reporting about that to his particular channel as well. Now, Amit and I, two of us, were caught up inside the courtroom. We were cornered by these BJP hooligans. And they said that delete those videos or else we will beat you up, you will be harmed. I said, let me go, I'm just trying to do my job. I said, just let me go, I'm trying to do my job, but they didn't listen at all. Now, as I report to you, there's another scuffle breaking out behind us. They're not sparing. Now, the crux of it all is, Neha, there are BJP people inside. Goons, lawyers, hooligans, we don't know. But there are clearly BJP people who are saying that all anti-nationals, meaning that all people from JNU will be thrown out. You are anti-national, go back to Pakistan. And anybody who tries to save these people from being beaten up, I was trying to just catch hold of Amit or another people I know from JNU from that area, from those students, trying to save them. They try to attack us as well. Now, anybody whom they find speaking against them, they're beating them up. And the sad part is that the cops are not intervening. While I was there, I kept screaming. There was a cop standing right there. I said, sir, can you please ask this gentleman to leave? I'm just doing my job. He said, madam, just leave. I can't control them. Madam, just leave. I said, where do I go? Even if I step out, there's a huge, crowd outside and I don't know what's going to happen there. So it's better if I stay here. But he wasn't of any help. I took another route and I quietly walked out of the court premises. Now, that's what's happening inside. Now, I just want to take you to these visuals. This is the main gate of the Patiala House Court. From here is where the security checks take place, and inside you go to the courtroom. And I just want to describe to you what the courtroom looks like and why and where these things are happening. Now, behind these gates, there's a lobby, there's an open area, and then there's a chamber where the Metropolitan Magistrate sits. Now, inside that, this entire space, starting from this gate to the Metropolitan Magistrate, that entire area has been taken over by BJP goons who are beating up anybody and everybody whom they think are from JNU. They're not sparing the media either. And especially media is being targeted because we tried to take that evidence on record. Since cameras are not allowed inside, I was recording those on my phone. And when they saw that, they got after us as well. They have beaten up journalists. They have broken their shirts. And it's just unprecedented what these guys are doing. The intensity with which they were coming in and scaring people, asking them to leave or else they'll be harmed, is just unmatchable. And the sad part in all of this is that the police refuses to intervene. The police refuses to come in and even try to get these people who are clearly taking law in their own hands, trying to tell them to not do it. तो हमारे संवाददाता सोनल मेहरोत्रा पूरी कहानी बता रही थी कि क्या कुछ हुआ है. उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के अंदर मौजूद थी, साथ ही उनका एक और पत्रकार दूसरे चैनल के अंदर मौजूद था. जो लोग भी वहां पर जेएनयू से थे, जो तथाकथित वकील हैं, सोनल मेहरोत्रा का कहना है कि ये सारे लोग कह रहे थे कि ये सब देशद्रोही हैं, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. सोनल का कहना है कि ज्यादातर बीजेपी के वर्कर्स नजर आ रहे थे, उन्होंने वामपंथी छात्रों की पिटाई शुरू कर दी. जब सोनल और दूसरे जर्नलिस्ट ने उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया और कहा कि इस वीडियो को तुम डिलीट करो, नहीं तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाया जाएगा. जब सोनल ने यह करने से मना किया तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई. सोनल ने तब वहां मौजूद पुलिस वालों से भी गुहार लगाई कि क्या आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये हम पर हमला कर रहे हैं. तो साफ तौर पर पुलिस वाले ने कहा कि मैडम, आप यहां से निकल जाइए. लेकिन जैसा सोनल बता रहे थे कि कोर्ट का जो रास्ता था उसमें से वहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल था, दूसरे रास्ते से वो निकलकर बाहर आई. साफ तौर पर बुरी तरह से पीटा गया है. जो वहां पर जो जेएनयू के छात्र थे उनकी पिटाई हुई. साथ ही वो सोनल से भी पूछ रहे थे कि क्या आप जेएनयू से हैं.
तो पत्रकारों के साथ जो वामपंथी जो छात्र थे, जो जेएनयू के छात्र हैं, उनके साथ साथ पत्रकारों पर भी हमला किया गया है और उनकी पिटाई की गई है, ढूंढ ढूंढ कर मारा गया है लात और घूसों से। तो पुलिस वालों की मौजूदगी में वकीलों की गुंडागर्दी, पटियाला हाउस कोर्ट में जिस वक्त कन्हैया कुमार की पेशी होनी है उसके इंतजार में वहां मौजूद है पुलिस, मूक दर्शक बनी रही। अब वहां डीसीपी मौजूद हैं, लेकिन देखना होगा कि पुलिस की क्या इन वकीलों की गुंडागर्दी पर कुछ एक्शन लेती है या नहीं। Vandalism outside the Patiala court in New Delhi on Monday, where Bharatiya Janata Party MLA OP Sharma had beaten up an unidentified man. The incident took place when Jawaharlal Nehru University Students Union President Kanhaiya Kumar was produced in the court. Talking to the media, the BJP legislator said that those raising anti-India slogans would not be spared. When asked if they had taken the onus of patriotism, he replied in affirmation. Even though he was seen beating an unidentified man, he said that we are trying to catch hold of the one who was raising प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स। वो जो मार पीट के भाग रहा था उसे लोग पकड़ रहे थे, मैंने क्या करा उसका? मारते पीटते नहीं करा, मारते पीटते दिख रहा है, नहीं मारा यार। Hey, why are you walking in the front?